9 सेकंड न्यूज में अब बिहार में जो परीक्षा हो रही है उसकी बात करेंगे, जिसमें उमड़ी भीड़ ने व्यवस्था को बेबस बना दिया था। बिहार के आरा में परीक्षार्थियों के लिए रेलवे स्टेशन बना सहारा। आरा में पहुंचे हैं हजारों की तादाद में अभ्यर्थी। होटल और लॉज में भरे होने से रेलवे स्टेशन पर ही रह रहे हैं अभ्यर्थी। बिहार में शिक्षकों के 1,70,461 पदों के लिए आज भी होगी परीक्षा। भर्ती परीक्षा का आज तीसरा और अंतिम दिन है। राज्य के कई शहरों में अभ्यर्थियों की जमी हुई है भीड़। और चलिए अब आपको कुछ और खबरें दिखाते हैं। तमिलनाडु के मदुरई में ट्रेन में लगी भीषण आग। हादसे में 9 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग हुए गंभीर रूप से जख्मी। खाना बनाते वक्त सिलेंडर ब्लास्ट से हुआ हादसा। दिल्ली के स्कूल में फ्रूट जूस पीने से बच्चे हुए बीमार। पिछले 3 दिनों से दिया जा रहा था एक्सपायर डेट का जूस। बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, परिजनों को नहीं दी गई है सूचना। जूस पीने से बीमार हुए बच्चों को 4 घंटे तक रखा गया था अस्पताल में। बच्चों ने कहा जूस में आटे जैसे पदार्थ मिला, जूस पीते ही पेट और सर दर्द होने लगे थे। जूस पीने से बीमार हुए बच्चों को डीडीयू अस्पताल में कराया गया एडमिट। अस्पताल के बाहर परिजनों ने किया हंगामा, प्रशासन पर अपने बच्चों से नहीं मिलने देने का आरोप लगाया। दिल्ली के सागरपुर इलाके के सर्वोदयी विद्यालय में दिया गया था एक्सपायर डेट का फ्रूट जूस। अभिभावकों का आरोप है मिड डे मील के बाद दिया गया था जूस, पीते ही बच्चों की बिगड़ने लगी तबीयत। हरियाणा के नूह के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेल से भरे टैंकर और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। हादसे के बाद लग्जरी कार में आग लग गई। गाजियाबाद में दिखा तेज रफ्तार का कहर। पिकअप ने ऑटो में मारी टक्कर, एक शख्स की हुई मौत। उसके माता पिता और ऑटो ड्राइवर की हालत गंभीर, तीनों का चल रहा है इलाज। गाजियाबाद में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ बड़ा हादसा। करंट लगने से 3 मजदूरों की हुई मौत, तीनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए आवाज बुलंद करने वाली भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन संस्था ने यूसीसी पर लॉ कमीशन के भेजे सुझाव। शादी, तलाक और संपत्ति में हिस्सा देने का मुद्दा उठाया। आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के बांसवाड़ा में तनाव। पूरे जिले में धारा 144 लागू, कई गिरफ्तारियों की गई है। आदिवासी आरक्षण मंच मिशन ने हाईवे पर किया था जाम। मिजोरम में निर्माणाधीन रेल पुल गिरने से मारे गए पश्चिम बंगाल के मजदूरों के परिजनों से मिले राज्यपाल। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा देने का किया है ऐलान। नौसेना के आधुनिकीकरण और स्वदेशी बनाने की राह पर और कदम बढ़ा केंद्र। 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों के लिए जैसे रक्षा मंत्रालय ने करार किया है। 19,000 करोड़ रुपए की डील हुई। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।